हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में साल्मोनेला के बारे में। हम पढ़ेंगे साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में और जो भी इसमें चीज़ें हैं बेटा सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को समझना। इमेजेस भी है अवेलेबल है, तो इमेजेस को देखते हुए समझते हुए हम सारी चीज़ों को इस पर समझेंगे। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, विडाल टेस्ट और सारी चीज़ें, हाँ साल्मोनेला में ही आती है बेटा ये सारी चीज़ें, तो सब हम इसी में समझेंगे। तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ, जितना आपको लिखना है उतना लिख लीजिए और इससे ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा अगर कहीं अवेलेबल होता है तो वहाँ से भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे उतना सफिशियंट है आपके लिए। बाकी अगर आप इससे और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल्मोनेला, द साल्मोनेला आर प्राइमरली इंटेस्टिनल पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड विच इन्फेक्ट मैन। क्या होते हैं बेटा साल्मोनेला? आर प्राइमरली इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, ऐसे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि काय में रहें, इंटेस्टीन्स में रहें, या आपकी आते जो बोलते हैं ना छोटी आंत बड़ी आंत, आंतों में प्रेजेंट रहते हैं, इंटेस्टीन्स में प्रेजेंट रहते हैं। और क्योंकि इनको इंटेस्टिनल पैरासाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैरासाइट्स के जैसे क्या ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, फीसेस में प्रेजेंट रहते हैं, और इंटेस्टीन्स में जो प्रेजेंट रहने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल पैरासाइट्स के जैसा है, इसलिए इनको इंटेस्टिनल पैरासाइट्स कहा जाता है। ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड विच इन्फेक्ट मैन, यानी एनिमल्स में भी और एंड विच इन्फेक्ट और किस में, ह्यूमंस में भी प्रेजेंट रहता है। वर्टिब्रेट्स में रहने के कारण ही क्या करता है ये, ज़्यादातर मैन को इन्फेक्ट करता है ना, आता ही वर्टिब्रेट्स से ही है। लीडिंग टू, हाँ चलो ये तो कर तो रहा है इंटेस्टिनल पैरासाइट, इन्फेक्शन तो कर रहा है मैन में, तो इन्फेक्शन करने के बाद होता क्या है एक्चुअली में, एंटरिक फीवर, गैस्ट्रो इंटेरिटिस एंड सेप्टिसीमिया। क्या क्या होता है? एंटरिक फीवर, गैस्ट्रो इंटेरिटिस एंड सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है जब साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन होता है ना। एंटरिक फीवर को बेटा टाइफाइड फीवर भी बोला जाता है, ठीक है, समझ में आई अब बात। जो टाइफाइड होता है ना आपको, टाइफाइड आपको साल्मोनेला के कारण होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ही टाइफाइड होता है, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना एक्स्ट्रा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साल्मोनेला प्रोड्यूस थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिसीजेज इन मैन। साल्मोनेला क्या करता है, तीन प्रकार के डिसीज प्रोड्यूस करता है मैंस में, ह्यूमंस में, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ी, एंट्रिक फीवर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेप्टिसीमिया। तो ये थोड़ा थोड़ा जान लेंगे फिर इसको डीप में भी समझेंगे हम। एंट्रिक फीवर में क्या होता है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंट्रिक फीवर आर साल्मोनेला, यानी जो कॉजेटिव एजेंट यानी कि कौन कॉज कर रहा है, यानी कौन बीमारी कर रहा है, वैसा कौन सा बैक्टीरिया है एंट्रिक फीवर करने वाला, तो वो है भाई आपका साल्मोनेला। कौन सा साल्मोनेला? साल्मोनेला टाइफी, कॉजिंग टाइफाइड फीवर। और कौन सा फीवर करता है ये, टाइफाइड फीवर कॉज करने का काम करता है, और एस पैराटाइफी ए बी एंड सी, कॉजिंग पैराटाइफाइड फीवर। यानी कि दो प्रकार से फीवर होंगे बेटा, या तो टाइफाइड फीवर होगा या तो पैराटाइफाइड फीवर होगा। तो जो साल्मोनेला टाइफी होता है ना, टाइफी क्या करता है आपको, सिर्फ टाइफाइड फीवर कॉज करेगा। और जो एस पैराटाइफी, एक होता है टाइफी और एक होता है पैराटाइफी, टाइफी करेगा टाइफाइड फीवर और पैराटाइफी करेगा पैराटाइफाइड फीवर, ठीक है, इतना सा इसमें डिफरेंस है। द टर्म एंट्रिक फीवर इंक्लूड्स बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। जो टर्म है एंट्रिक फीवर उसमें दोनों चीज़ें आती है बेटा, एंट्रिक फीवर में टाइफाइड फीवर भी आएगा और पैराटाइफाइड फीवर भी आएगा, मतलब देखा जाए तो टाइफाइड ही हो रहा है और टाइफाइड का फीवर ही हो रहा है, बस ये दो टाइप्स हैं एंट्रिक फीवर के अंदर। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, साल्मोनेला अंडर दिस ग्रुप आर असेंशियली एनिमल पैरासाइट्स। साल्मोनेला इस ग्रुप के अंदर जो गैस्ट्रो एंटेराइटिस करते हैं बेटा, ये मोस्टली ये एनिमल, ये पैरासाइट्स या बैक्टीरिया काय में प्रेजेंट रहते हैं, ये एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट मैन, पर किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये मैंस को भी यानी ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं ये। दिस इंक्लूड, हाँ अब इसके अंदर कौन कौन सी स्पीसी से देख लो, एस टाइफीम्यूरियम, एस टाइफीम्यूरियम होता है, एस एंटेरिटिस, एस न्यूस्पोर्ट, एस डब्लिन एंड एस थॉम्सन। ये कितनी स्पीसीज है, एक दो तीन चार पाँच स्पीसीज, ऐसी पाँच स्पीसी से बेटा साल्मोनेला की जो क्या करती हैं, गैस्ट्रो एंटेरिटिस फॉर्म करती हैं,
कॉज करती हैं, और मोस्टली ये एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, पर कभी कभी ये केस का इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने का काम करता है। सेप्टिसीमिया द कॉमनली एसोसिएटेड सालमोनेला इज एस कोलरेसियस बट अदर स्पीसीज में ऑल्सो कॉज सेप्टिसीमिया, है ना। सेप्टिसीमिया क्या की जो स्पीसीज है कोलरेसियस वो क्या कौन कॉज करता है, सेप्टिसीमिया कॉज करता है। एक्चुअली जो तीनों जो है ना ये डिसीजेस के टाइप, इसको हम डीप में और समझेंगे इसके पैथोजेनेसिस में, तो ये अभी इतना स्लाइटली बस देख लो, आगे इसको मैं आपको समझाऊंगा, है ना। एंट्रिक फीवर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेप्टिसीमिया को हम आगे भी समझेंगे। मॉर्फोलॉजी देख लो अब इसकी, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। हाँ, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो बच्चे लोग आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, उसके बाद वीडियो बना नोट डाउन कर लो और वीडियो भी देखते जाओ। तो पहले जब आप ये कर रहे हो ना, या तो एक बार में पहले वीडियो देख लो, समझ लो, समझने के बाद नोट्स बनाना, है ना। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए कि पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसको समझिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर नोट्स बनाते जाइए। आपको जैसा तरीका आपको अच्छा लगता है, या तो साथ में समझते हुए नोट्स बनाते जाओ तो और अच्छे से होगी, बहुत अच्छी बात है वो भी। और अगर समय बचाना है अगर, तो पहले समझ लो फिर बाद में इकट्ठे नोट्स बना लेना। पर वो उसमें क्या होता है कि समझने के बाद में इकट्ठे नोट्स बनाने के बाद ना कन्फ्यूजन निकल ही जाता है। जब समझते हुए नोट्स बनाओ ना तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये टॉपिक समझाया, जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी समझा दिया, मॉर्फोलॉजी से समझा आपने तुरंत लिख लिया। अब जैसे मैंने एंट्रिक फीवर समझा था, जैसे समझ लिया फिर तुरंत लिख लिया, इस तरीके से ऐसा करते रहना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, साल्मोनेला आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाए। ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाए होते हैं, यानी बैसिलाए बैक्टीरिया होता है ना, ये कोकाए नहीं है, है ना, बैसिलाए बैक्टीरिया है। मेजरिंग 1-3 म्यू एम मल्टीप्लाई बाय 0.5 म्यू एम, क्या इसका मेजरमेंट है। दे आर मोटाइल, यानी कि मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड, यानी ये ना तो स्पोरम फॉर्म कर रहे हैं ना ही कैप्सूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मोटिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरिट्राइकस फ्लैजिला, और मोटिलिटी किसके द्वारा है, किसके कारण मोटिलिटी है इसकी, पेरिट्राइकियस के पेरिट्राइकेट फ्लैजिला जो होते हैं, यानी पूरे उसके शरीर में रोम रोम रोए 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 रहते हैं, और वो रोए इसको मूवमेंट करने में सहायता करते हैं। अब मूवमेंट कैसे करेंगे, ये कोई भी लिक्विड जैसी जगह पे, गीली जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं ये, ठीक है, बिना सूखी जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकते। और एक्सेप्ट एस गैलिनेरम एंड एस पुलोरम विच आर नॉन मोटाइल, इसकी दो स्पीसीज है बेटा, एस गैलिनेरम और एस पुलोरम, जो कि नॉन मोटाइल होती है साल्मोनेला की, बाकी सारी स्पीसीज इसकी क्या है, मोटाइल है। इतना ध्यान रखना, एस गैलिनेरम एंड एस पुलोरम ही नॉन मोटाइल है, बाकी सारी स्पीसीज साल्मोनेला की मोटाइल होती है। कॉम्पिटिटिव में कभी किसी ने पूछा, या क्वेश्चन आया, या वाइवा में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, या दो नंबर में आ गया, तो ये आप लोग को आंसर करते आना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज इसकी नॉन मोटाइल होती है और कौन सी इसकी स्पीसीज मोटाइल होती है। इसकी ये देख लो इमेजेस, आप लोग इमेजेस में आपको ये है इसकी ग्राम स्टेनिंग की इमेज, जो कि ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाए है, और नेगेटिव का कलर तो इसी तरीके से दिखेगा, पिंकिश रेड दिखेगा, है ना, तो इस तरीके के डार्क पिंक और रेड कलर में दिखता है ये। देखो हीमोटॉक्सिन ईओसिन की पेंसिल भी अपन करते बनाते हैं ना, तब देखो ऐसे कलर दिखता है ना, इस तरीके से डार्क कलर दिखता है इसका। दिख रहे हैं बैसिलाए लंबे लंबे रॉड शेप के, है ना, एक जगह बहुत ज़्यादा गुच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हाईली बैसिलाए मौजूद है, और एक जगह जो ऊपर वाला जो इमेज है, ऊपर वाली इमेज में थोड़ा क्लियरिटी है, अलग अलग देख पा रहे हैं बैक्टीरियाज को, है ना। तो इस तरीके से ये ग्राम स्टेनिंग में नजर आते हैं साल्मोनेला के बैसिलाए। कॉफमैन वाइट स्कीम, अब भाई ये कॉफमैन वाइट स्कीम क्या है, इसको समझ लो, है ना, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में तो आपको आना चाहिए, है ना। अब ज़रूरी नहीं कि नहीं भाई आपको, हमको तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं भी आएगा ना, पर अधिकतर पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी तो रहती है 70%। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीरोटाइपिंग ऑफ साल्मोनेला बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओ एंड एच एंटीजन बाय अग्लूटिनेशन, यानी कि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीरोटाइपिंग, किसके कारण होता है ये सीरोटाइपिंग, यानी कि जब हम इसका टेस्ट लगाते हैं सीरोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग इसका आइडेंटिफिकेशन साल्मोनेला का बेस्ड है, जो कि क्या डिटेक्ट करता है, ओ और एच एंटीजन करता है बाय अग्लूटिनेशन, यानी अग्लूटिनेशन जब हम करते हैं इसका टेस्ट करते हैं सीरोटाइपिंग, तो ओ और एच एंटीजन के द्वारा हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं साल्मोनेला को, ठीक है।
साल्मोनेला आर क्लासिफाइड इंटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव ओ एंटीजन फैक्टर्स, और साल्मोनेला किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव ओ एंटीजन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड है। इन कॉफमैन वाइट स्कीम ईच सीरोटाइप इज गिवन अ स्पीसीज स्टेटस। कॉफमैन वाइट स्कीम में क्या होता है कि हर एक इसका जो सीरोटाइप है, हर एक इसका जो एंटीजन टाइप है, उसका क्या दिया गया है, अलग स्टेटस दिया गया है। यही है कॉफमैन वाइट स्कीम, है ना। देयर आर अबाउट 2300 सीरोटाइप्स ऑफ साल्मोनेला, यानी साल्मोनेला के कितने बेटा सीरोटाइप्स, देयर आर 2300, यानी 2300 क्या है इसके सीरोटाइप्स हैं साल्मोनेला के। मोस्ट सीरोटाइप्स ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग टू ग्रुप ए टू ई, और जो उसके अधिकतर जो सीरोटाइप्स हैं जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं यानी पैथोजेनिक है, वो ग्रुप ए से ई में आते हैं। ठीक है, कॉफमैन वाइट स्कीम समझ में आया कि क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सीरोटाइपिंग ऑफ साल्मोनेला बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है इसका आइडेंटिफिकेशन, ओ और एच एंटीजन के ऊपर बेस्ड है, अग्लूटिनेशन के द्वारा साल्मोनेला क्लासिफाइड है, उसके डिस्टिंक्टिव ओ एंटीजन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। कॉफमैन वाइट स्कीम में क्या करते हैं, ईच सीरोटाइप इज गिवन अ स्टेटस, और कॉफमैन वाइट स्कीम में क्या करा गया है, हर एक सीरोटाइप का एक अलग अलग स्टेटस दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। और कितनी सीरोटाइप्स होती हैं, 2300 सीरोटाइप्स होते हैं, और जो कि मोस्टली मेडिकल इंपॉर्टेंस में जो सीरोटाइप्स होती हैं वो ग्रुप ए से ई के अंडर आती हैं। यही है भाई आपकी कॉफमैन वाइट स्कीम। पैथोजेनेसिस यानी कि डिसीज की, डिसीज कौन कौन सी करता है ना अधिकतर, और कैसे करता है थोड़ा बहुत इसमें हम समझेंगे। एस टाइफी, एस पैराटाइफी ए एंड यूजुअली एस पैराटाइफी बी आर कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग्स, यानी कि एस जो जितनी स्पीसीज है बेटा ये ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करने का काम करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ अदर साल्मोनेला आर प्राइमरली इन्फेक्टिव फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर सेकेंडरी इन्फेक्टेड, जो कि और जो मेजोरिटी जो है अदर स्पीसीज की जो है बेटा साल्मोनेला की, वो क्या करते हैं कभी सेकेंडरी तौर पे यानी कि दूसरे तौर पे अधिकतर नहीं डिसीज कॉज करने का काम करते हैं। ऊपर जितनी भी स्पीसीज दिखाई जा रही है, एस टाइफी, एस पैराटाइफी ए एंड एस पैराटाइफी बी, क्या है यूजली यही वाली स्पीसीज क्या करती है ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। साल्मोनेला कॉज थ्री टाइप्स ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम इन ह्यूमन बींग्स, है ना, थ्री तरीके के क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज करता है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ, एंट्रिक फीवर, सेप्टिसीमिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे। एंट्रिक फीवर, द टर्म एंट्रिक फीवर इंक्लूड्स टाइफाइड फीवर, जो टर्म में बेटा दिया गया है एंट्रिक फीवर उसको हम टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, एस टाइफी, है ना, एस टाइफी भी बोला जाता है इसको, एंड एस टाइफाइड फीवर, एस पैराटाइफी ए बी एंड सी, ये क्या है इसकी स्पीसीज है। इन्फेक्शंस ड्यू टू एस टाइफी एंड एस पैराटाइफी ए आर प्रीवेलेंट इन इंडिया, यानी कि इन्फेक्शंस ड्यू टू एस टाइफी एंड एस पैराटाइफी ए आर प्रीवेलेंट इन इंडिया, यानी जो इन्फेक्शन है एस टाइफी या एस पैराटाइफी ए के द्वारा ये प्रचलित हैं, है ना, यानी कि इसका इन्फेक्शन इंडिया में ज़्यादातर एस टाइफी और एस पैराटाइफी ए के कारण ही इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला का इसकी इस स्पीसीज के कारण। ठीक है, और ज़्यादातर इसी स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम एंटी सीरा लेकर टेस्ट करते हैं कि भाई हमारे इंडिया में तो इसी तरीके का होता है ना, होता है कोई कोई एरिया में। अब जैसे कि फ्रांस में मैंने सुना है मच्छर नहीं है, है ना, अब कोई ऐसी जगह हुई जहाँ पे पेंडेमिक हो गई, कोई एपिडेमिक चल रहा है कहीं, यानी इस जगह पे यार फैल्सीफेरम मलेरिया का बहुत इन्फेक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। अब हमारे एरिया में क्या पाया जा रहा है, एस पैराटाइफी एंड एस टाइफी ए, एस टाइफी एंड एस पैराटाइफी ए का क्या है ज़्यादातर चलन है इंडिया में। सेप्टिसीमिया, साल्मोनेला सेप्टिसीमिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय एस कोलेरियस और एस पैराटाइफी सी एंड ओकेशनली बाय अदर साल्मोनेला। तो सेप्टिसीमिया यानी ब्लड इन्फेक्शन जो हो रहा है साल्मोनेला के द्वारा वो कॉमनली कॉज कोलेरियस के द्वारा होता है और एस पैराटाइफी के द्वारा होता है और सी के द्वारा होता है, पैराटाइफी एस और पैराटाइफी सी के द्वारा होता है, और ओकेशनली अदर साल्मोनेला स्पीसीज से, ओकेशनली यानी कभी कभी किसी साल्मोनेला स्पीसीज से हो जाता है। ठीक है, ये
इन्फेक्शस ऑकर्स थ्रू ओरल रूट, जो इन्फेक्शन हो रहा है बेटा वो हो रहा है किसके द्वारा, ओरल रूट, यानी कि मुंह से कुछ जा रहा है तभी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मुंह से कैसे जा रहा है, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेशन के कारण, यानी कि आप जो भी अंदर ले रहे हो, है ना, आपके मुंह में जो भी जा रहा है और सलाइवा के थ्रू आपके पेट में चले जा रहा है उसके थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो आप कुछ भी हो सकता है ना, या कोई बच्चा किसी चीज़ को उठा ले रहा है, किसी खिलौने का मुंह में ले ले रहा है और वहाँ पे कंटेमिनेशन है, गंदा है, उससे भी हो सकता है। ज़्यादातर ये होता है गंदा खाना और गंदा पानी पीने से, एंड कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से ही ज़्यादातर टाइफाइड होता है, ठीक है। इतना आपको शायद पता भी होगा, नहीं भी पता है तो अभी सुन लो और ध्यान रखना, कहीं भी जाते हो तो कहीं का भी पानी मत पियो, अपने साथ अपना फिल्टर्ड पानी लेके चलो, है ना। कहीं भी खड़े हुए, हाँ ये तो यहाँ पे तो पानी की टंकी लगी है, यहीं से पानी पी लेते हैं, इधर से पी लेते हैं, उधर से पी लेते हैं, नहीं, पैक्ड पानी पियो। बाहर निकलते हो ट्रैवलिंग पे या किसी घर भी जाते हो तो वहाँ का देख लो, साफ पानी नहीं है तो मत पियो, ठीक है। क्योंकि देखो खाना तो क्या है बेटा, कुछ खाना तो पक के आ गया है तो वो वैसे ही मर गया है ना उसके अंदर, पर कुछ ऐसा रॉ, कुछ कच्चा खाना है, जैसे पानी पूरी खा के आ गए, कच्चा है वो, है ना, चाट खा के आ गए, इस तरीके के आपने फास्ट फूड खा के अगर आ गए आप, तो वो सब क्या है, रॉ मटेरियल में ठंडे ठंडे प्रेजेंट है वो, तब तक तो उसमें आ जाएगा गंदगी से किसी तरीके से ना, तो मत खाना इस तरीके का, और इस तरह के कारण ही सब सौ तरीके की बीमारियाँ होती है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि इन्फेक्शन ऑकर्स थ्रू ओरल रूट, एंड ओरल रूट मौखिक तौर से मुंह से ये जाते हैं। देयर इज अर्ली इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम एंड इट प्रोड्यूसेस लोकल सेपरेशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स, और अर्ली इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम्स यानी कि जल्दी से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में पहुंच जाता है जल्दी से, और इट प्रोड्यूसेस लोकल सेपरेशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स, और अदर और अलग अलग ऑर्गन्स में सेपरेशन, पस फॉर्मेशन करने का काम करता है, ठीक है। इट मे कॉज ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, पल्मोनरी एब्सेसेस, मेनिंजाइटिस और एंडोकार्डिटिस कॉज करने का काम करता है, है ना। ये कौन सा स्पीसीज, साल्मोनेला में जो कोलेरियस और एस्पेरटाइफिस सी, ये सारी जो स्पीसीज है, सेप्टिसीमिया ब्लड इन्फेक्शन करने के बाद, और इस तरीके की चीज़ें कॉज करते हैं इन्फेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस देख लेते हैं, है ना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस और फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय इंजेशन ऑफ फूड लाइक मीट, मिल्क, एग कंटेमिनेटेड बाय सर्टेन साल्मोनेला। साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या, किसके कारण हो रहा है, फूड पॉइजनिंग के कारण, जो कि मैंने आपको क्या बताया, गंदा खाना, गंदा पानी पीने के कारण होता है, है ना, फूड पॉइजनिंग हो गया है। कॉज्ड बाय इंजेशन ऑफ फूड लाइक, कौन से फूड खाने के कारण होता है, मीट प्रोडक्ट्स में होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है, ये अच्छे साफ सुथरे खाने में मौजूद नहीं होता है, है ना। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब्जी भाजी खाओ तो नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा अगर गंदा खाना खाया तो, उसको भी साफ तरीके से नहीं धोया, नहीं पकाया, उसमें भी होगा। और ये जो मीट प्रोडक्ट्स और जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हैं मिल्क वगैरह, एग वगैरह, तो ये जब गंदगी से बना हो, साफ सुथरा नहीं रखा है, खुला हुआ रखा रह गया है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया खुले में और गंदगी से रखने के कारण जल्दी इन चीज़ों में आ जाता है, क्योंकि इनमें होता है भाई प्रोटीन, और प्रोटीन में जल्दी से बैक्टीरिया आता है, क्योंकि क्या होता है, उसको उससे मिलता है न्यूट्रिशन, है ना, इसलिए इन चीज़ों से जल्दी इन्फेक्शन कॉज होता है अगर ये गंदगी से खाए जाए, गंदगी से बनाए जाए, गंदगी से रखे जाए, ठीक है। एग से होता है कंटेमिनेटेड एग बाय सर्टेन साल्मोनेला विच आर प्राइमरली एनिमल पैथोजेंस, और कौन साल्मोनेला स्पीसीज के कारण, जो कि क्या होती है, एनिमल पैथोजेंस होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। एग्स एंड एग प्रोडक्ट्स आर ग्रेट ऑफ कंसर्न, अंडे या अंडे के प्रोडक्ट जो भी हैं, एग्स के प्रोडक्ट ग्रेट कंसर्न में आते हैं, क्यों, अभी बताता हूँ क्यों होते हैं। साल्मोनेला कैन एंटर थ्रू द शेल, समझ में आई मेरी बात, यानी कि साल्मोनेला बैक्टीरिया है बेटा, अंडे के जो छिलका रहता कवर, उसके ऊपर से अंदर एंटर कर जाता है, इतना बदमाश बैक्टीरिया होता है, समझ में आई मेरी बात, ये अंडे के अंदर घुस जाता है, उसके छिलके से अंदर घुस जाता है, कैसे घुसता है वो बताता हूँ। साल्मोनेला कैन एंटर थ्रू द शेल इफ एग्स आर लेफ्ट ऑन फीसेस और कंटेमिनेटेड फीड ऑफ चिकन्स, यानी कि
अगर अंडे को आपने गंदगी में छोड़ दिया है, अब गंदगी कैसी, मुर्गी ने अंडा दिया और वहीं पे वो अपना एक्सक्रीशन कर रही है, वहीं पे फीसिस कर रही है, वहीं पे पॉटी कर रही है वो, है ना, और वहीं पे उसका फीडिंग करने के लिए उसका चारा भी वहीं है, वहीं पे दाना खा रही है, वो दाना भी अलग गंदा पड़ा है, उसमें भी फीसिस गिर गई है उसकी। मुर्गी को थोड़ी ना पता है कि उसको धो के निकालना है, उसी में फीसिस भी गिर गई है मुर्गी की, और मुर्गी वहीं दाना चुग रही है, वहीं उसी में से खाना भी खा रही है, और वहीं अंडा भी पड़ा हुआ है, वहीं फीसिस पड़ी हुई है। और ऐसी कंडीशन में जब अंडा पड़े रहेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया अंडे के शेल में से घुसकर अंडे के अंदर घुस जाता है ना। तो इस तरीके से अंडे क्या होते हैं, ग्रेट रिस्क में होते हैं साल्मोनेला के इन्फेक्शन के लिए। साल्मोनेला कैन एंटर थ्रू एग्शेल्स इफ लेफ्ट ऑन फीसिस और कंटेमिनेटेड फीड ऑफ चिकन्स। एस टाइफीम्यूरियम इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड इन फूड पॉइजनिंग। और जो एस टाइफीम्यूरियम नाम की जो स्पीसीज है, फ्रिक्वेंटली वही फूड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, उसको आइसोलेट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होती है। द अदर कॉमन स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, और जो अदर कॉमन स्पीसीज जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है गैस्ट्रो एंटेराइटिस के लिए, वो होती है एस एंटेराइटिस, एस न्यूस्पोर्ट, एस सेंटनबर्ग, एस डबलिन, एस हेडलबर्ग, एस इंडियाना। हेडलबर्ग और एस इंडियाना, इतनी सारी स्पीसीज है बेटा, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पीसीज दिख रही है मुझे, यहीं यहीं ज़्यादा दिख रही है आप लोगों को, नहीं 6 स्पीसीज हैं ये। 6 स्पीसीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहती है गैस्ट्रो एंटाइटिस के लिए, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 12 to 24 आवर। जो इसका इंक्यूबेशन है पीरियड है वो क्या है, 12 से 24 आवर्स का होता है साल्मोनेला का, है ना। जब इसको इंक्यूबेट करते हैं, ग्रोथ कराते हैं कल्चर मीडिया पे, द इलनेस इज कैरेक्टराइज बाय फीवर, वॉमिटिंग, एबडोमिनल पेन एंड डायरिया। हाँ, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि साल्मोनेला हो गया है, तो सबसे पहले तो बेटा फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, और डायरिया यानी दस्त लग जाएंगे, पेट दर्द होगा। पेट दर्द क्यों होगा, क्योंकि लीजन्स फॉर्मेशन होगा, सपरेशन होगा आंतों में, इंटेस्टिन्स, क्योंकि क्या है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है ये, है ना, आंतों में आपके इन्फेक्शन होता है, लीजन्स बना देता है, सपरेशन छाले बना देता है। इसलिए देखना टाइफाइड होने के समय मसाला खाने के लिए मना करते हैं, परहेज करते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, क्यों, क्योंकि छाले जो है और एक्टिव हो जाएंगे, अंदर जलन देंगे और दर्द होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के बोलते हैं टाइफाइड के समय। और यहाँ तक बेटा जो हमारा वीडियो है इसका, पैथोजेनेसिस तक का, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको नोट्स बनाओ, और जिसका लैब डायग्नोसिस है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंटिन्यू करूँगा साल्मोनेला का। तो हमारा जो वीडियो है अब यहाँ पर कंप्लीट होता है।